सीधी में कोरोना के संक्रमण के दर में लगातार गिरावट आ रही है। 37% से शुरू हुआ सफ़र अब महज 4% पर रुक गया है। किंतु ओके साथ साथ सीधी कलेक्टर के लगातार जो है फील्ड में उतर के मेहनत जो है देखे के मिली, और मेहनत के साथ साथ यह कोरोना के यह दूसर लहर में सबसे यदि सकारात्मक चीज़ देखी जाए तो ये लॉकडाउन के एक बेहद अच्छा प्रभाव देखे का मिला है। जो निकले के आज सीधी यह है कि 4% महज संक्रमण के सीधी में रफ्तार देखे का मिल रही है। तो पहले तो सीधी कलेक्टर सर अपना का बहुत बहुत बधाई पूरे विंध की ओर से और सीधी के जनता की ओर से। देखिए ये तो बहुत ज़्यादा कष्ट झेल कर हम लोगों ने उपलब्धि पाई है, चूँकि लॉकडाउन तो जानते हैं कि हम सभी के लिए तकलीफ देह होता है, तो ये ज़रूर है। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब हमें और ज़्यादा जिम्मेदारी से काम करना है। निश्चित तौर पर लगातार जो है यह मांग उठ रही है कि सर जैसे यदि बात की जाए सीधी में संक्रमण के दर की, तो 37 से 4 आ गया है, अब क्या एहतियात लोग बरतें कि ये 4 से और कम हो, और सीधी कब तक ऐसा लग रहा है कि फिर से अपने पुराने राह पर आ पाएगी, सभी चीज़ें दुकानें खुल जाएंगी, लोगों को जो है व्यापार की स्वतंत्रता हो जाएगी, लोग भूखे मरने की जो कहा जाए एक मिडिल क्लास फैमिली एक काफ़ी संघर्ष कर रहा है, वो दान भी नहीं ले सकता किसी से, और ये कहा जाए कि उसके घर में राशन भी खत्म हो रहा है क्योंकि व्यापार है नहीं, पैसा है नहीं, तो कुल मिला के ये बड़ा संघर्ष का दौर है। तो कब तक माना जाए कि सीधी खुलेगा? देखिए सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा लॉकडाउन है, लॉकडाउन का यदि हम पूर्णतः पालन करेंगे हम बहुत जल्द हम सीधी को इस चीज़ से हम कर पाएंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि 1 जून से फिर पुनः विचार होगी पूरे प्रदेश भर में, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे यहाँ फिर पुनः केसेस किस तरह से आ रहे हैं। यदि अभी भी हमने लापरवाही बरती जबकि लॉकडाउन का ये अवधि चल रहा है, और हम सबको जैसे पता है कि यदि कोई एक संक्रमित है उसकी लापरवाही से यदि हमने ग्रुप में कभी व्रत बंद किया, कभी शादी की बात हुई, कभी अन्य कोई कथा करने लगे, चोरी चुपके कहीं यदि कुछ इस तरह का आयोजन कर रहे हैं किसी एक को है, तो वो एक साथ 2500 लोगों को एक साथ आता, फिर ये चेन बढ़ता जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के नौबतें बहुत सारे जगहों पर इसी कारण से आएँ। तो ये जो है ये इससे यदि हम बचे रहेंगे और हम लोग सभी यदि इसमें योगदान करेंगे तो तभी हम जिले को बाहर निकाल पाएंगे कोरोना के इससे। जैसे अभी कल का भी हम लोग देख रहे थे तो फीवर क्लिनिक सब में भी अब काफ़ी कम लोग आ रहे हैं, पहले वहीं फीवर क्लिनिक में मतलब हर दिन प्रतिदिन हम देखते थे कि 150-200 लोग पॉजिटिव आते थे, उनके रिपोर्ट्स भेजते थे, RT-PCR में भी आते थे, अब RT-PCR में भी काफ़ी कम आ रहे हैं और RAT में भी काफ़ी कम आ रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। अखिल कोरोना अभियान चल रहा है, वो अभियान हम लोगों ने 100% तो कर ली थी, फिर दोबारा से हम लोग लगातार निगरानी के लिए ज़िले में भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि कहीं भी किसी को फीवर हो, किसी तरह की तकलीफ हो, तो वो हमारी नज़र में रहे, उनका हम केयर करें, वो बिगड़े नहीं स्थिति। तो दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि पहला तो ये कि लॉकडाउन का जो भी अवधि है जो ये इसमें हम लोग अपना पूरा सतर्कता रखें कि बाहर नहीं निकलना है, बहुत ज़रूरी है तभी निकलना है, और जो जो दूरी बनाने की बात है, जो मास्क पहनने की बात है, और साथ ही साथ जो हाथ सैनिटाइज करने की बात जो शुरुआत से कही जा रही है, ये स्थिति बनी ही रहेगी तो उसमें हम सभी को करना है। तो एक तो ये था, दूसरा जो एक बहुत अच्छा कोविड से बचाव का बहुत बड़ा साधन बनेगा वो हमारा वैक्सीनेशन है। वैक्सीनेशन में सीधी जिला ने बहुत अच्छा किया था, पिछले 11 से 14 अप्रैल के मध्य जो हम लोगों ने की थी तो 100% से ज़्यादा ही था हमारा, 110% से ज़्यादा का उपलब्धि था, लेकिन उसके बाद से बीच में कुछ लोगों ने इस तरह की भ्रांति फैला दी कि वैक्सीनेशन से किसी को कुछ हो गया, जबकि वैक्सीनेशन से ऐसा कहीं नहीं है, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। तो ये चीज़ें हमारे कई आदिवासी बेल्ट में और साथ ही साथ ऐसी जगह जहाँ जागरूकता की थोड़ी कमी है तो वहाँ हमें बहुत तकलीफ हो रही है, और पिछले दिनों ऐसे कई सेंटर्स हैं जहाँ कोई नहीं आए वैक्सीन कराने के लिए स्वतः, तो हम लोग भी जा रहे हैं, हम लोग भी लोगों से बात कर रहे हैं, SDMs को भी बोला है, CO जनपद को भी बोल रहे हैं, जनप्रतिनिधियों ने भी अपील जारी की है, उनसे भी लगातार हम लोग अनुरोध करते हैं, मीडिया लगातार आप लोगों के द्वारा भी इस चीज़ को प्रश्रय दिया जा रहा है कि लोग आगे आएँ। तो ये इसके लिए अब अगली लड़ाई हमें इसके लिए, यदि एक भी डोज किसी के पास है तो जानलेवा उसके लिए ये रोग नहीं रहेगा, तो वो इस चीज़ को यदि समझेंगे हम कर पाएंगे,
तो सीधी हमारा मतलब बेहतर स्थिति में रहेगा, क्योंकि हम यदि देखें तो सुदूर का ज़िला है, यहाँ उतने संसाधन नहीं है। यदि आसपास पड़ोस के ज़िले देखेंगे तो उस तरह से संसाधन नहीं है। हमें इन चीज़ों में जब तक हम बेहतरी नहीं करेंगे अपने जीवन शैली में, हमारा आना जाना, ये लॉकडाउन का पालन, दूसरा वैक्सीनेशन, तब तक मुसीबत है। 18 साल से ज़्यादा में फिर भी अच्छा हो रहा है, लोग खुद से करा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ये जागरूक जो लोग हैं हमारे यंग जनरेशन, वो भी औरों को प्रेरित करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो ये दो चीज़ें मुझे ये तो कहना है कि लॉकडाउन का हम पालन करेंगे तो बहुत शीघ्र हम लोग इससे बाहर निकल आएंगे, और दूसरा वैक्सीनेशन अगर हमने करा ली है तो जानलेवा ये बीमारी नहीं रहेगी और हम सभी अपने आप को बचा पाएंगे। इस तौर पर सर के द्वारा सीधे तौर में ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन जो है वरदान आए, काहे कि ये महामारी से यदि मुक्ति पावे है तो वैक्सीनेशन अपना का करवाए पड़े। किंतु सर अभी मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश के द्वारा ये कहा गया कि 5% से कम संक्रमण होगा तो उन जिलों को धीरे धीरे खोलना शुरू किया जाएगा, हालांकि अब 4% में है जिला, कब तक माना जाए कि सीधी सर खुलेगा या फिर कब तक थोड़ा धीरे धीरे खुलेगा, क्या कहा जाए? ये बहुत जल्दी होगी, एक साथ तो खोलना मुझे नहीं लगता। अब चूँकि जो भी शासन के निर्देश होंगे और स्थानीय परिस्थितियाँ होंगी उस अनुरूप करेंगे। जैसे शहर, सीधी शहर में ही हम देख लें तभी भी 100 से ज़्यादा मरीज हैं और वार्ड नंबर 1 है, वार्ड नंबर 10 है, ये सब हमारा लगातार यहाँ ज़्यादा केसेस बने हुए हैं और प्रतिदिन 10 से ज़्यादा केसेस आ भी रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये चीज़ें जब तक नहीं कम होंगी, शहर में उतनी बड़ी जनसंख्या नहीं है लेकिन केसेस हमारे यहाँ उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे बघोर देखेंगे, बघौली देखेंगे, या फिर जो कई सारे हमारे अब तो रेड जोन पहले बहुत हुआ करते थे, 60 से भी ज़्यादा रेड जोन हुआ करते थे, और आज के डेट में रूरल एरिया में भी एक सिंगल डिजिट में हमारे रेड जोन आ गए। शहर में भी रेड जोन अब 2 से 3 बमुश्किल हैं, 10 से ज़्यादा केस वाले 2-3 वार्ड हैं। तो ये यदि हम बचत किए रहेंगे हम, तो देखिए क्या है कि जब हमारा मेंटेन रहेगा कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन कोई नहीं आ रहा या बिल्कुल नहीं आ रहे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम अच्छे से कर पाएंगे कि वो किससे मिले, कहाँ थे, उन सभी को हम कर लें। हाँ, एक चीज़ और है कि जो भी नए केसेस आएँ वो यदि कोविड केयर सेंटर जाएँ तो अपने परिवार वालों को के लिए वो बड़े मतलब वो मददगार होगा और हम लोगों को भी कंटेन करना आसान होगा कि उनके परिजन जो कि उनके साथ रहे हैं जो पॉजिटिव, तो उनको भी, उन पर भी हमारी नज़र हो, वो कहीं ना फैला पाए। साथ ही वो स्वतः जो कि पॉजिटिव अब आ रहे हैं, क्योंकि बीच में बहुत बड़ी संख्या में आ रही थी तो इस चीज़ को हम उतने उस ढंग से नहीं कर पा रहे थे, और अब ये समय है कि जब हम इसको भी देखें, जो नए आ रहे हैं उनके परिजन को देखें, वो किन से मिले, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिसको करते हैं ये भी करें, उनको कोविड केयर सेंटर में भर्ती करें, या अगर स्थिति अच्छी है तो फिर घर भी अच्छा है तो वहाँ भी रह सकते, उसमें नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहलू भी हमें देखें। इस तौर पर सर ये भी मैं पूछना चाहूँगा कि सर सीधी में जैसे अब संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है किंतु मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, 48 घंटे यदि बीते 48 घंटे की बात करें या उससे पहले की बात करें तो चार पांच मौतें मतलब हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि ICU बेड जो है अपने पास केवल 10 है, 10 ICU बेड के दम पर हम इतनी बड़ी संख्या जो हमारे पीछे है, जो कहीं ना कहीं क्रिटिकल पेशेंट कहे जा सकते हैं, तो क्या सर इसको बढ़ाने के लिए ICU बेड के लिए कोई व्यवस्था नहीं बन पा रही है, फंड की दिक्कत आ रही है, क्या कुछ दिक्कतें हैं सर कि ये बेड नहीं बढ़ पा रहे हैं सर? नहीं, ये देखिए ये फंड की दिक्कत तो अभी जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि उन सबसे भी हमें राशियाँ मिली हैं और हम लोग लगातार इसको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी की स्थिति में हमें वेंटिलेटर चाहिए होंगे, तो वेंटिलेटर हमने जिम पे ऑलरेडी कर भी रखा था, तो 2 वेंटिलेटर हमें रीवा से अभी मिल रहे हैं तो वो शायद आज आ जाएंगे, और 2 साथ ही जो जैसे ट्रांसपोर्टेशन में हैं या किसी को ले जाना है मुझे, तो वो 2 और वेंटिलेटर उस तरह के मिल रहे हैं कि किसी मरीज को हमें बाहर भेजना है तो वो हमें मिल रहे हैं। साथ ही बायपैप अभी रिसेंटली हम लोगों ने 8 बायपैप जो दिए परचेज करके, और इसके साथ ही साथ 10 और बायपैप मशीनें हम और दे दें कि वो हमें आजकल में आ जाएंगे। ये बहुत ही मददगार होते हैं कि ये करने में, बचाने में। तो इस तरह से हमें करीब हम लोग 25 बेड का लेकर के चल रहे हैं, 25 बेड में हम वो सारी सुविधाएं देंगे जो ICU में रहता है, और लगातार इसमें कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारा ये हो जाएगा। जो तीसरी वेव की बात हो रही है या अभी भी, चूँकि ये तो कोरोना तो गया नहीं है तो अभी भी चीज़ें बनी हुई रहेंगी, हम जब तक हमारा सावधानी रहेगी तब तक हम तो बचे हैं, नहीं तो फिर ये
स्थितियाँ बदलते दे रही है। ये माना जाए सर कि 2-4-10 दिन में ICU 25 हो जाएंगे या सेमी ICU जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो कब तक वक्त लगेगा इसको कि ये सीधी में देखने को मिलेगा? अगले मेरे ख्याल से 8-10 दिन के भीतर हमारा और बेहतर हो जाएगा। जो 10 ICU है उसके अलावा कई बेड और हमारे उसको वही सारी सुविधाएं हम वहाँ दे पाए। सर तीसरी लहर की आपने जिक्र किया, सर ये तीसरी लहर के बच्चों पर सबसे ज़्यादा खतरनाक होगी जो साइंटिस्ट ये अपनी राय दे रहे हैं सर, तो उसके लिए क्या कुछ पहले से रणनीति आप लोगों ने बनाई है या फिर कुछ उसके लिए कोई तैयारी की जा रही है, एक्स्ट्रा कोई ऐसे बच्चों के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं या कुछ ऐसा प्रयास कुछ किया जा रहा है क्या सर? देखिए दो पहल इसमें हम लोग करेंगे। पहला तो ये है कि हम उनको बच्चों के लिए पूरे ज़िले में इस तरह का, आज ही CMHO से हमारी चर्चा हुई है, तो इस तरह का एक अभियान हम करने जा रहे हैं जिसमें कि आयरन की गोलियां और बाकी जो और जो कि हमारा प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है तो वो मेडिसिन हमारे पास उपलब्ध हैं, वो हम वितरण कराएंगे। अभी उसको अभियान करके कि गांव-गांव में हम इस चीज़ को करेंगे कि लोग करें। यदि किसी का भी हीमोग्लोबिन थोड़ा बेहतर होता है, यदि उसमें बेहतरी होती है तो नेचुरली प्रतिरोधक क्षमता भी उसका बेहतर होता। तो एक तो इस में हम लोग करेंगे, इसमें करेंगे लगातार। अभी किल कोरोना का सर्वे चल ही रहा है, चूँकि दूसरा जो हमारा ख़त्म हुआ तीसरा, तो फिर उसके बाद फिर अगले के लिए भी बात हो रही है और गांव में हम लोग दल को सक्रिय किए हुए कि कहीं भी किसी इस तरह की बात हो तो उसको करें। जो संसाधन की बात है कि जब किसी को कोरोना हो जाएगा तो उसके बाद हम जो वार्ड का तो वो भी हम व्यवस्था करेंगे और उनको बच्चों के लिए भी यदि इस तरह की बात रहेगी तो हम समुचित व्यवस्था उसको करेंगे। एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि पिछले दिनों हमको 50 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर भी मिले हैं, गवर्नमेंट से मिली हैं, तो वो एडिशनल एक हमारे पास जो स्रोत हुए हैं। ऑक्सीजन बेड की भी हमारी ये हो जाएगी, साथ ही साथ 2 और ऑक्सीजन यूनिट लगने हैं वो जून के मेरे ख्याल से 2nd week of June तक शायद। तो सर ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिल गए हैं अपने को 50? हाँ 50 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर मिल गए। प्रथम खेप से हमने सिहावल में और कुसमी में, रामपुर नेकिन, इन सबको हमने 5-5 दिए थे। मधुरी में चूँकि पहले से 4 था फिर 1 लिया और 25 हमें मिली, तो जो जिले में हमें जहाँ भी ज़रूरत होगी जिला स्तर पर तो वो हम मतलब ऑक्सीजन की कही जाए तो उपलब्धता बढ़ गई है, मतलब वो क्राइसिस नहीं है ऑक्सीजन? हाँ नहीं, ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं है। वो 2-3 दिनों के लिए जब शट डाउन हो गया था, सिंगरौली में यूनिट बैठ गई थी, दूसरे यूनिट में भी थोड़ी सी तकलीफ थी, सतना का भी यूनिट आंधी तूफान के, ये सभी आंधी तूफान के दौरान यूनिट था, तो तब बहुत दिक्कतों से मिले था। लेकिन बाकी इस तरह का नहीं था कि बिल्कुल ही नहीं, ऐसा कोई कभी नहीं स्थिति बनी और अब तो पर्याप्त है, ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं। निश्चित तौर पर तो सर के द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई और कुछ चीज़ें सर अभी एक थे हमसे बड़ी अच्छी जिक्र करीन बात का कि लोग जो हैंड टू हैंड मतलब जनसेवा करे चाहते हैं किंतु जो हाथ से हाथ छुए वाली चीज़ है तो उसके वजह से संक्रमण आगे ना बढ़े, तो उसके खेती कुछ सर सलाह? देखिए जैसे बहुत समय होता है कि जब हम पूजा करते बहुत लोग हैं प्रसाद हम बांट रहे हैं, एसिम्प्टोमेटिक जो होते हैं तो उनको तो खुद भी नहीं पता रहता कि कुछ है। यदि वो पॉजिटिव है तो यदि उसने 10 आदमी को प्रसाद दिया या कुछ खाने का सामान बांटा तो उनको स्वतः नहीं पता, उनको शायद 2 दिन बाद यदि कुछ इस तरह का लगेगा, जांच कराएंगे उनको लगेगा मैं पॉजिटिव हूँ, वो तब तक संक्रमित कर चुके रहेंगे। तो अभी का समय हम सबसे अपील करते हैं कि जो भी हमारे बहुत ही ऐसे हैं दानदाता हैं साथ ही समाजसेवी हैं जो आगे बढ़ के सबके लिए कर रहे हैं, तो हम अधिकतम हम ये कोशिश करें कि हमें मतलब ग्रुप में नहीं जाना है और दे रहे हैं तो फिर ये तो रेट का हम तत्काल अपनी जांच करा ले सकते हैं कि जो भी किसी को बांट रहा है, तो उससे कम से कम सभी निश्चिंत रहेंगे जिनको हम दे रहे हैं और खुद भी लोग की भी निश्चिंतता रहेंगी। तो इस चीज़ को अभी डिस्करेज कर रहे थे कि एकदम से ग्रुप में जा करके जैसा पिछले साल हो रहा था वो नहीं करना है, और यदि मुझे करना ही है तो फिर हम सारे प्रिकॉशंस के साथ करें कि ना हमें खतरा हो ना सामने जिसको हम कुछ दे रहे हैं उसको खतरा हो। सर चुरहट में एक डॉक्टर हैं जो उनका एक लापरवाही का मतलब, क्योंकि ये दौर है आप लोग लगातार जब प्रयास कर रहे हैं कि संक्रमण की रफ्तार कम हो, उसमें एक डॉक्टर का जो है चुरहट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में वरुण सिंह जो पदस्थ हैं उनके द्वारा मतलब कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लोगों का जो है घर में इलाज किया जा रहा था, भारी संख्या में किया जा रहा था, इसलिए अभिषेक सिंह पहुँचे भी थे। तो सर ऐसे
डॉक्टरों के ऊपर क्या आप लोग जो है कार्यवाही का सोच रहे हैं, या फिर मतलब क्या ऐसे गैर जिम्मेदाराना लोग जो इस दौर पे ऐसी हरकतें कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए इसमें तो ये तो गलत है, उनके खिलाफ हम भेजेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए करेंगे। और ये तो डॉक्टर से सबसे पहले उम्मीद की जाती है कि वो सबसे ज़्यादा हमारे रोल मॉडल तो वही है कि इन समय में हमें कैसे रहना है, तो वही अगर ये करेंगे ये लोगों आम लोगों के लिए भी गलत मैसेज होगा। हम एस डी एम की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे, यदि आ जाती है तो बिल्कुल इसमें कर रहे हैं। ऐसे तौर पर अब सब चला चला बेरा भय, तब कलेक्टर साहब आपने अमूल्य समय हमका दें, सर क्या अपील करेंगे आम जनता से? वैक्सीन को लेकर लगातार जो है अफवाहें तो हैं, आप खुद जमीन में उतर के देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि लोग इस कदम को आगे बढ़ाएं और वैक्सीनेशन सेंटर तक लाएं? देखिए वैक्सीन से डेथ नहीं होता, सबसे पहले मृत्यु नहीं होती, ऐसा हम सब ने लगाया, हमने लगाए हैं और हमारे जनप्रतिनिधियों ने जो हैं सब ने लगाए हैं, और इसके अलावा जुडिशरी में डीजी साहब और तमाम जिले में 1,00,000 से ज़्यादा लोग लगाए हैं। तो इससे डरिए मत, ये हमारा जान तो नहीं लेगा लेकिन जान बचाने में ही ये मददगार है, तो ये हमारी जान बचाने के लिए एक भी डोज है तो हमें बहुत मदद होगी। दूसरा डोज भी हो जाएगा तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाएंगे, जो उस रोग से लड़ने का प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। तो इसको अपनाना है, इससे दूर नहीं भागना है। और जो भी हमारे जो सभी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, सबसे यही मेरा अपील है, मीडिया से यही अपील है कि ज़रूर इसके लिए लोगों को प्रेरित करें। ये हमारे ज़िले के लिए दुर्भाग्य है कि लोग बहुत कम लोग आ रहे हैं, कई गांव में कोई बिल्कुल नहीं आ रहे, तो ये ज़रूर मेरी अपील है कि हम सभी इस काम में हम मदद करें। हम चूँकि जाने अनजाने हम किसी की जान बचा रहे हैं, वो ना वो मुश्किल में पड़े, ये नौबत उसके साथ ना आए कि उसको जान जाने की नौबत आए, इसलिए वैक्सीनेशन हमें कराना है, हमारी यही अपील। निश्चित तौर पर सर के द्वारा साफ तौर में यह कहा गया है कि यदि या कोरोना के या दौर में सबसे बड़ा यदि रामबाण इलाज है, तो पहले तो इलाज घर में रहा है और दूसरा यह है कि घर में रहे के साथ साथ अपना वैक्सीन यदि लगवा ली है तो सोना में सुहागा हो जाए, और स्थिति यह है। किंतु लोगन के बीच में जो भ्रांति फैली है लोगन के द्वारा व्हाट्सअप सोशल मीडिया और मौखिक रूप से सुन सुन जो है अपने आप का थोका ये वैक्सीनेशन से दूर की जा रहा है, तक बिल्कुल दूर न हुई, बिल्कुल करीब आई। वैक्सीन अपना के साथ साथ अपना के घर के सबकी सुरक्षा करी, ऐसे जब वैक्सीन लगवाऊँ तो ये सोचो कि अपना देश खेती देश सेवा या करी लागे। आपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।